क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम जी। कहाँ से हैं? यूपी से हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट से। जी जी जी। और क्या चीज का मतलब आपको प्रॉब्लम था, अपने बारे में कुछ बताइए कि किस चीज के रिगार्डिंग आपने मतलब हेल्थ इशू क्या था आपका? मैं ITP का मतलब पेशेंट, और जो मुझे ITP हुआ था, मतलब मैं जो है कि लखनऊ से MBA कर रहा है, और मैं जो है कि जुलाई में मुझे पता चला, मतलब मसूड़े से खून आते थे। थोड़ा सा तेज बोलिए। मसूड़े से खून आते थे और चेक करने पे मतलब उसमें खून हल्के हल्के आ जाते थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब मुझे ऐसा ITP हो गया है। तो फिर मैं घर आया तो फिर पापा ने एडमिट कराया मैं BHU में, ठीक है, BHU बनारस तो कराया। तो फिर वहाँ मतलब बोन मैरो हुआ मेरा, तो वहाँ पता चला कि मुझे ITP है। तो फिर ITP, तो फिर वहाँ 3 महीने तक दवा चली मुझे, और जो है कि प्लेटलेट भी चढ़ाया गया, 16 प्लेटलेट चढ़ाया गया 2 बार में, और जो है कि फिर मुझे रेगुलेट चलते थे, रेगुलेट 25 mg में चले। फिर उसके बाद ओमना कास्टिंग चला, फिर उसके बाद 3 महीने कोई फर्क नहीं होते थे, बस मतलब कभी 25, कभी 30, कभी 40, कभी फिर 25, कभी 30, ऐसे करते रहे 3 महीने तक, ऐसे चले। फिर ऐसे चलते गए, तो फिर मैंने यूट्यूब पर सबको देखा और देखा कि ITP के पेशेंट काफ़ी सही हो गए यहाँ पे आने के बाद, तो मैंने सोचा कि चलिए वहीं पे चलते हैं। तो फिर मैंने 4 महीने पहले नवंबर में फिर यहाँ आया। अच्छा, नवंबर में आपने मतलब यहाँ से ट्रीटमेंट चला? हाँ जी। तो फिर 4 महीने हुए ट्रीटमेंट के लिए, और पहले बार जब यहाँ आया था तो मेरा 12,000 था पहले महीने में। फिर दूसरे महीने में मैंने कराई चेकअप, तो फिर उसके बाद 30,000 हुआ। उसके बाद 1 महीने कराया ही नहीं मैंने, ठीक है, तो 1 महीने में कराया नहीं। उसके बाद 4th महीने कराया इस टाइम कराया तो मैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 3,80,000 हो गया मैम काउंट मेरा, ठीक है, आप देख सकते हैं। मतलब ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है? यस मैम। ये आपने कब करवाई है रिपोर्ट? ये 5 मार्च की है जी। 3,80,000 इनके जो है प्लेटलेट्स हो गए हैं, ठीक है। और सबसे मिनिमम कितने थे आपके प्लेटलेट्स? मिनिमम 9,000 तक भी पहुँचा था। अच्छा, तो कोई IVIG भी आपको चढ़ाया गया था? नो, प्लेटलेट्स चढ़ाए गए थे, और साथ में स्टेरॉइड्स ले रहे थे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में? अच्छा, कितना, 30 mg के अराउंड में लेते थे? नहीं, 25 mg। 25 mg स्टेरॉइड लेते, तो अब तो नहीं ले रहे हैं स्टेरॉइड्स? नहीं, 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 अब सिर्फ तभी छोड़ दिए जब यहां आए, तो छोड़ दिए। 4 महीने से सिर्फ प्लैनेट आयुर्वेदा की मेडिसिन ले रहे हैं। मतलब जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था तो अपने सारी एलोपैथी दवाइयां स्टेरॉइड्स वगैरह बंद कर दी। कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं आप अपने हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए सर, कौन कौन सी आपकी दवाइयां चल रही हैं? ये आपका लेटेस्ट, ये कुछ पुड़िया ट्रीटमेंट है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी आप बिल्कुल हेल्दी फील करते हैं सर, बहुत अच्छी बात है सर। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ITP के सर जो प्रॉब्लम्स से पूछ रहे हैं? मैं ये बताना चाहूंगा कि ITP के कि मैं यहाँ जो प्लेटलेट आयुर्वेदा में आए सर से मिले, विक्रम चौहान सर से, और आके यहाँ अपना मतलब ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है, पूरा भरोसा है कि आप सही हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं सही हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जो भी ITP के पेशेंट हैं, प्लीज़ दूसरे जगह ना अपना टाइम गवाएं, सीधा यहाँ आए, बिल्कुल सही हो जाएंगे। सर, मैं थोड़ा सा और आपका टाइम लेना चाहूँगा कि आप जैसे कि आपका जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ से, तो कुछ खान पान में आपने कुछ चेंजेस किए थे? हाँ, किया था, सर ने बोला था कि खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है, और दूध से जो भी बनी चीज़ें वो नहीं लेनी है, और मिठाइयाँ उठाइयाँ वगैरह नहीं लेनी है बस। तो आपने ये डाइट फॉलो किया? हाँ, डाइट फॉलो किया। कोई डाइट चार्ट दिया गया था आपको? हाँ, दिया गया। तो वो आपने फॉलो किया उस अकॉर्डिंग? हाँ, हाँ। उसमें जो जूसेस लिखे हुए थे वो सारा का सारा आप लेते थे सर? ठीक है, थैंक यू सर, आप प्लैनेट आयुर्वेदा में आए, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।